भाई यही ऐसा हाल है, इतनी तेज तूफान बारिश, वहां तो क्या ही हाल हो रहा होगा, वहां तो बादल फट गए होंगे भाई। सो गाइस, मैं निकलने वाली हूँ 1 घंटे के अंदर मैं शिलोंग, और रात को ही मैंने कैब सेटल कर दिया था। लेकिन डर की बात यह है कि अभी कर्फ्यू वाला न्यूज आ रहा है, देखते हैं कि वह क्या होता है जाकर। अब जो भी है, प्लान तो बन चुका है तो वो पोस्टपोन या कैंसिल नहीं कर सकते। और बात रही बारिश की, तो बारिश की भी न्यूज़ आ रही है कि बहुत बारिश हो रही है। बट अब सब कुछ देखने पर डिपेंड करता है कि क्या होगा, ट्रिप ख़राब होगी क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। बस जाना है, अगर बारिश हुई तो बस अपने रूम में रहना है, नहीं हुई तो ठीक है घूमने, बट जाना है। अब जो होगा सो देखा जाएगा। हमने प्लान किया था 2 महीने पहले, लेकिन अब जाकर ये सक्सेसफुल हुआ है। तो हम निकल गए थे दिल्ली से कामाख्या के लिए। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम आनंद विहार। May I have your attention, please? Train number 12506 Northeast Express from Anand Vihar to Kamakhya is now ready for departure. एक नंबर चाय पीजिएगा सर। चाय पीते पीते कब दिल्ली से बंगाल पहुंच गए पता ही नहीं लगा। तो अभी आधा सफर बाकी है, हम 4 बजे पहुंच जाएंगे कामाख्या जंक्शन। और हम निकले थे दिल्ली से 7 बजे, और अब जाके जलपाईगुड़ी पहुंच गए। नाम काफी डिफिकल्ट लग रहा है वैसे। सो गाइस, ये हमारे साथ है हमारे ट्रिप पर। तो हम जलपाईगुड़ी रोड पे हैं अभी, और बारिश का मौसम बन चुका है बिल्कुल। अभी यहाँ पे हॉल्ट सिर्फ 2 मिनट का था रुकने का, पता नहीं कब चलेगी। देख बारिश का मौसम हो रखा है बिल्कुल मस्त मज़ेदार। हेलो दीपक, क्या बोलना चाहते हो? अबे साले, कैसा लग रहा है? इट इज गुड। और बस ठीक है, चल रही जिंदगी। कैसा जर्नी, कैसा चल रहा है? जर्नी बढ़िया है, अभी कल चल रहे हैं। अरे बहुत मनोट लग रहा हूँ, मत करो, मूड खराब कर दिया। एक चलो बाय सफर में कुछ अनजान लोग मिलते हैं, और उनसे इतनी जान पहचान हो जाती है कि वो अनजान ही नहीं लगते। I've been here for far too long, there's so much more than this I know. मज़े तो फुल मज़े थे ट्रिप पे, लेकिन जो एडवेंचर हुआ था, जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, मतलब 2 दिन हमने ट्रैवल किया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि 2 दिन का ट्रैवल होगा, क्योंकि मैंने बोला हाँ हाँ, फ्लो फ्लो में कह दिया हाँ ठीक है मैं भी जाऊँगी, चल लेती हूँ। बट मैंने पूछा कि कितने दिनों का ट्रैवलिंग है, 1 दिन का होगा मुश्किल से ट्रेन पर, बट मुझे पता लगा कि नहीं 2 दिन की है। मतलब अब मैं 7 बजे निकली थी और अगले दिन 4 बजे पहुँची। तो अब मैं पहुंचने वाली हूँ कामाख्या जंक्शन, लेकिन अभी 23 किलोमीटर बाकी है, और 1800 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर खड़ा हो गई। मतलब इतना मज़ा आया और पता भी नहीं लगा, क्योंकि ट्रेन में सब लोग थे, ग्रुप में जाओ तो यही फायदा है कि कुछ पता नहीं लगता। तो हम पहुंच चुके कामाख्या जंक्शन। तो हम बाहर आ गए और अभी जाएंगे अपने कैब वगैरह करेंगे, और उसके बाद जहाँ हमने स्टे करना है वहाँ पहुँचेंगे।
Cheers. जब हम उतर गए ट्रेन से तो हम गए थे जहाँ हमने अपनी कैब बुक की थी। बहुत चलते रहता है ना, इतना लोग मान गया मुझे यार। हम 5:30 बजे पहुँच गए थे और हम कैब वाले के पास से रात के 11 बजे निकले। क्यों? क्योंकि हमने जो बुक किया था वो वाली आर्टिका की थी बट वो कैंसिल हो गया, तो फिर हमने इनोवा किया। कोई दिक्कत नहीं है मैम, यही रात में भी नाचले कर को नहीं प्रॉब्लम। अब सुनो उसका क्या निकला। हां वही हो गया, हो गया। तो हम जाने के लिए तैयार हैं। और हमने सोचा फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, और फिर हम जब निकल गए वहाँ से तो बीच रास्ते में गाड़ी रुक गई थी। नहीं स्टार्ट की नहीं, ये एयरफ्लू लेवल लो। हाँ एयरफ्लू जो डालता है ना, हाँ यूरिया लो लेवल में आ रहा है आपका। देखिए अरे वो तो आ रहा है पर स्टार्ट तो होगी ना, वो तो इग्निशन ही नहीं ले रहा ना। मारिए तो एक हेड ब्रेक उठा के पड़ी। So guys, हम फंस चुके हैं बारिश में, बहुत गंदे बारिश। हमने जो गाड़ी बुक की थी वो गाड़ी रुक चुकी है बीच रास्ते में, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और अभी बजे है रात के 10 या 11। तो ऐसा हो रहा है कि भाई यहीं सो जाओ, गाड़ी लगाओ यहीं सो जाओ। और हम 2 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और अभी तक हम अपने होटल नहीं पहुंच पाए। A few moments later. तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अरे ठीक है ठीक है। तो गाइस हम पहुंच गए, लेट हो गए। इसकी जो हालत हो रखी है ना, बहुत ही बेकार हो गई है। तो अभी हम ऊपर जाते हैं रूम में और फिर आपको। ओके थैंक यू भैया। तो गाइस अभी बस जस्ट स्ट्रेस हो गई और काफ़ी ज़्यादा पीटी हो गई यार। मतलब फुल एडवेंचर चल रहा है ट्रिप का, मतलब जो सोचा नहीं था वो सब हो रहा है। हमने सोचा था रात को हम 9-10 बजे सो जाएंगे और अभी बहुत ज़्यादा टाइम 12 बज चुका है, तो हम बहुत लेट हो गए, बारिश में फंस गए। अभी जा रहे हैं हम वैसे डिनर करते हैं और फिर कल के लिए जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि हमें कल जाना है कामाख्या टेम्पल। तो अब इसके लिए जल्दी जल्दी सोना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर हो गया है, हर सोचा भी नहीं था क्या था कुछ होगा एडवेंचर। गाड़ी रुक गई, बारिश हो रही है, हम बीच रास्ते में फंस गए। मतलब हमने पेट्रोल वगैरह सब भरवा लिया एंड मतलब बुक कर ली गाड़ी 15,000 की, सब कुछ कर लिया। हमें लगा हमारा सब कुछ स्कैम हो गया है, बट सब कुछ ठीक है भगवान जी की कृपा से। तो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने।